डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन पोस्ट कॉलोनियल थेरी इसके अंदर सबसे पहले लेट्स डिस्कस ओरिएंटलिज ओरिएंटेलिज्म केम फ्राम अ वर्ल्ड ओरिएंट विच मीन्स ईस्ट तो ओरिएंटलिज्म अ फिनिना इन विच वी डिस्कस द स्टडी ऑफ ईस्ट अब ईस्ट को तो स्टडी करना है बाय विच प्रस्पेक्टिव बाय वस परस्पेक्टिव बाय वेस्टर्न परस्पेक्टिव सो ओरिएंटेलिज्म द वेस्टर्न परस्पेक्टिव ऑफ ईस्ट के वेस्ट के लोगों की क्या परसेप्शन है ईस्ट के अबाउट वेस्ट के लोगों ने किस तरह से स्टडी किया ईस्ट को वेस्ट के लोगों ने किस तरह से रिप्रेजेंट किया ईस्ट को ऑल दैट थिंग्स आर कॉल्ड ओरिएंटलिज्म नाउ लेट्स सी हाउ दैट फिनोमेना स्टार्टेड और इन नाइनटीन एंड एटीन सेंचुरी देर वॉज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ये किस वजह से था कि वेस्ट के लोगों ने काफी सारी ईस्ट के एरियाज़ को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया एंड फर्दर द डिवेलप ट्रेड रूट्स विद द ईस्ट तो इस तरह से ईस्ट और वेस्ट के लोगों में इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी तो वेस्ट के लोग जो थे दे डिसाइडेड टू स्टडी ईस्ट के लोग तो इसके लिए जो है उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिपार्टमेंट बना दिए ओरिएंट नाम से एंड इन दैट डिपार्टमेंट द स्टडी और वी मे से द रिसर्च ऑन ईस्ट पीपल बिगन तो यहाँ के लोगों के बारे में यहाँ के कल्चर के बारे में एंड यहाँ के लिखी गई किताबों के ऊपर रिसर्च होने लगी वहाँ पर उनको पढ़ा जाने लगा तो ये सारी चीज़ें केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ़ ओरिएंटलिज्म अब इसके अंदर इस कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या था कि जो वेस्ट के लोग थे दे लुक डाउन द ईस्टर्न पीपल उन्होंने जो है ना उनके कल्चर को मिस रिप्रेजेंट किया उनको इन्फीरियर शो कराया अपने आप से दे वॉज अज अमाउंट ऑफ स्टीरियर टाइपिंग जर्नलाइजेशन मिस अंडरस्टैंडिंग एंड वी में से द कॉन्सेप्ट ऑफ अदराइजेशन तो वो जो है ना उनको इन्फीरियर कंसिडर कर रहे थे उनके कल्चर को भी इन्फीरियर कंसिडर कर रहे थे इन ऑल दैट थिंग इसी फिनोमिना को फर्दर इन डेप्थ स्टडी किया है एडवर्ड सईद ने अ पैलस्टैनियन राइटर एंड अ फिलोसोफर अ स्कॉलर इन्होंने जो है ना एक बुक लिखी औरज़म के नाम से और इसके अंदर उन्होंने सारे जो है ना इन जो पहलू थे मिस मिसरेप्रजेंटेशन जो थी उसको उन्होंने बताया है अपनी इस बुक के अंदर तो औरिएंटलिज़म की जो बुक थी एंड दैट इज़ कंसिडर्ड द स्टार्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थेरीट बुक नाइनटीन सेवनटी एट और इस बुक को जो है ना वो ओपाइनियो वर्क भी कंसिडर किया जाता है कि इसके बाद से औरिएंटलिज़म और भी मे से द पोस्ट कॉलोनियल थेरी इमर्ज एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी अच्छा इसके अंदर जो है ना उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर मेन फोकस किया था फर्स्ट वन इज़ द कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकेंड वन इज डायनमिक्स ऑफ पावर कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो ओरिएंटल रिप्रेजेंटेशन थी वेस्ट के लोगों की दैट वाज ऑलवेज फॉल्स एंड फुल ऑफ प्रेजडेंस कि वो जो हमेशा इनको इन्फीरियर कंसीडर कर रहे थे इनके कल्चर को दैट इज़ नॉट ट्रू दैट इज़ नॉट फाइन अब क्या होना चाहिए कि हर एक कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से और यही उस कल्चर की यूनिकनेस होती है अगर एक कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि वो यूनिक है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ना वो इन्फीरियर है या आपका कल्चर जो है वो सुपीरियर है तो वो बताते हैं कि जितने भी जो है वाइट लोग थे या जितना ओरिएंटलिज्म के ऊपर अब तक काम हो चुका है वो जो है ना ईस्ट के लोगों को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि ये काम जो है ना बाहर रहते हुए मतलब आप लोगों ने जो है ना एक्सपीरियंस नहीं किया उस कल्चर को उससे जो है ना कंट्री के अंदर रहते हुए आपने जो है ना उसको बाहर बाहर से मुशाहिदा किया है तो आपने जो है ना सही रिप्रेजेंट नहीं किया यहाँ के कल्चर को तो यहाँ पर जो है ना वो ओरिएंटलिज्म अपनी बुक के अंदर एम्फोसिस पुट करते हैं कि जो कल्चरल रिप्रजेंटेशन की गई हैं बाय द वेस्ट पीपल ऑफ़ ईस्टर्न पीपल ये बिल्कुल रॉन्ग थी ये फुल ऑफ प्रेजुडेंस थी फुल ऑफ स्टीरियोटाइपिंग थी और फुल ऑफ़ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी सेकेंड पार्ट के अंदर वो डिस्कस करते हैं डायनामिक्स ऑफ पावर को जिसके अंदर वो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं दैट इज़ अदराइजेशन के जो ईस्टर्न थे सॉरी जो वेस्टर्न थे उन्होंने जो है ना वो ईस्टर्न को अदर के तौर पे दिखाया कि एक कॉन्सेप्ट होता है ना वी एंड देम का उन्होंने अपने आप को जो है ना वो टॉर्च बेयरर बताया है लाइक वी आर द वन हु बियर्स दर्डन टू सिविलाइज द होल ईस्ट और जो वेस्टर्न लोग सॉरी ईस्टर्न लोग थे उनको जो है ना इन्होंने दिखाया है एज अ वाइट मैंस बर्डन तो वाइट मैं वर्डन भी जो है ना ये काफ़ी एक इन टर्म है पोस्ट कॉलोनियल थेरी के अंदर तो वो इनको सवेदेज समझते थे इन्फीरियर समझते थे सम वन देट नीड टू बी टेम्ड टेंन दैट नीड टू बी सिविलाइज्ड और अपने आप को जो है ना वो सिविलाइज्ड समझ रहे थे फर्दर जो है ना वो ये बताते हैं कि ये जो एक कॉलोनाइजेशन थी या जो ईस्ट की जो है ना वो स्टडी होगी दैट वॉज नॉट समथिंग कल्चरल मिस इंटरप्रटेशन बल्कि ये पावर डायनामिक्स भी थे वो जो है ना मैंटली अपने आप को पावर में ज़्यादा समझते थे वेस्ट के लोग एज कम्पेयर टू ईस्टर्न के लोग इसी वजह से ही जो है ना वो इन्फीरियर समझ रहे थे ईस्ट के लोगों को तो ऑल दैट कॉन्सेप्ट ओर आई होप यू गॉट इट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट द नेक्स्ट वन इज सबालन नू आर सबालन सबालन आर द ग्रुप ऑफ पीपल इन अटीट आर मार्जनलाइज एंड ऑपरेस्ड बांट और रूलिंग क्लास इन एनी सोसाइटी वट डज देट मीन के सबालतन जो है ना वो ऐसे लोग होते हैं इस सोसाइटी के अंदर जिनको रिप्रेस किया जाता है जिनको जो है ना फैसिलिटीज और प्रविलजेस जो है ना वो नहीं दी जाती जो कि एक रूलिंग क्लास को दी जाती है इनके लिए जो है ना वो नॉर्म्स हैं पॉलिसीज हैं या जो कल्चरल इंप्लीकेशन हैं इवन वो भी जो है ना अपर क्लास इनके ऊपर इन्फ्लिक्ट करती है इनकी अपनी कोई वॉइस नहीं होती आप ऐसे कह लें कि माशरे का जो एक निगलेक्टेड हिस्सा होता है सच सॉर्ट ऑफ पीपल आर कार्ड सबाल तो ये टर्म जो थी ना दैट वॉज फर्स्ट पॉइंट बाय अंटोनियो ग्रामची वॉज अ मार्सिस्ट थेरिस्ट अब एंटोनियो क्रामची जो है ना उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था जो हिस्टोरियंस थे दैट वर स्टडींग एशिया उनके लिए जो है ना इस टर्म को यूज़ किया था कि वो लोग जो है मार्शनलाइज थे वो हिस्ट्री बता रहे थे एशिया की एशिया से दूर रहते हुए तो उन्होंने जो है ना इसके लिए इस टर्म को कॉइन किया था एंड लेटर दैट टर्म केम इन पोस्ट कॉलोनियल थीरी और फिर जो है ना ये जो पोस्ट कॉलोनियल एरियाज थे सॉरी जो कॉलोनियल एरियाज थे उसमें जो कॉलोनाइज पीपल थे जो रिप्रेस्ड पीपल थे उनके लिए ये टर्म यूज़ होने लगी और ये टर्म को जो है ना पोस्ट कॉलोनियल थेरी के अंदर पॉपुलराइज किया था गायत्री चतुर्वेदी स्पीवक ने अब गायत्री स्पीवक ने जो है ना एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था कैन सबालन स्पीक कैन सबालन स्पीक जिसके अंदर जो है ना उन्होंने बताया था कि जो सबालतरन होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर या जो कॉलोनाइज लोग हो गए थे उनको वॉइस लेस रखा गया था कि उनकी अपनी कोई वॉइस नहीं होती थी अब हमें जो है ना जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी या जो वेस्ट में जो है ना रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी ईस्ट की वो वेस्ट के अपने लोग जो है ना वो दे रहे थे तो सही इमेज नहीं बनाया जा रहा था ईस्ट के लोगों का तो उन्होंने जो है ना अपने इस ऐसे के अंदर गायत्री सी स्पीवक ने एम्फेसिस पुट किया कि सबालतरन शुड नेवर बी अन कि सबालचरण की भी जो है ना वो वॉइस होनी चाहिए एंड दैट कुड बी हर्ड अब जो अपना ऐसे था उन्होंने जो है न उसके अंदर बताया है कि जो सबालचरण होते हैं वो एक्चुअली क्रिएट ही इसी वजह से होता है ये जो एक तबका होता है रिसेसिव तबका जिसको हमने सबालतरन कहा था वो क्रिएट ही इसी वजह से होता है कि एक तो जो है ना उनको पावर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनको बिल्कुल रिसेसिव कर देते हैं उनको डाउन कर देते हैं दूसरा उनके पास लिमिटेड एक्सेस टू लैंग्वेज होती है वो जो है ना लैंग्वेज को भी इतना अच्छे से नहीं जानते कि वो जो अपनी बात है वो दूसरों तक पहुंचा सके सो दैट वॉज समथिंग अबाउट सबालचरण अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स इन शॉर्ट कि सबालचरण uh, क्या कॉन्सेप्ट था पोस्ट कॉलोनियल थेरी के अंदर कि ऐसे लोग जिनकी जो है ना वो अपनी कोई वॉइस नहीं थी ऐसे लोग जिनको मार्जनलाइज कहा जाता था जिनके जो है ना राइट्स को एक्सप्लॉइड किया जाता था और जिनको वो फैसिलिटीज़ वो प्रिवलेजेस जो है ना वो अवेलेबल नहीं थे जो अवेलेबल होने चाहिए या वो फैसिलिटीज़ जो अपर क्लास के लोगों को अवेलेबल थी वो इन लोगों को अवेलेबल नहीं थी नेक्स्ट वन इज़ सब्जुकेशन सब्जुकेशन इज़ कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग और वी मे से ऑप्रेसिंग द पीपल इन एनी सोसाइटी बाय समन डोमिनेट सब्जुकेशन क्या है दैट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ पावर ओवर द मार्जिनलाइज पीपल अच्छा अब ये क्या सीन है कि जब भी एक कंट्री को कॉलोनी बनाया जाता है तो जो कॉलोनाइजर्स हैं वो किस तरह से पावर को एक्सरसाइज करते हैं कि वो सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो है ना वो डोमिनेट कर लेते हैं कॉलोनाइज्ड पीपल को तो इस तरह का उनका कंट्रोल कर लेने का जो एक्ट है दैट इज कार्ड सब्जुकेशन तो इन पोस्ट कॉलोनियल थियोरी फ्रेंच पैनन जो थे ना वॉज बेसिकलीसफर एज वेल तो उन्होंने जो है न डोलोनाइजेशन uh, के ऊपर uh, बहुत ज़्यादा काम किया है अच्छा अब उन्होंने सब्जुगेशन के ऊपर जो है ना वो किस तरह से काम किया है कि उन्होंने बताया है कि जब भी जो है ना एक कंट्री uh, के लोगों को या किसी भी एक सोसाइटी के लोगों को सब्जुगेट किया जाता है उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है तो दैट इज़ नॉट जस्ट अ मटेरियल कंट्रोल कि आप उनकी इकानोमी पे कंट्रोल कर लो या आप उनके कल्चर पे कंट्रोल कर लो बट दैट हैज़ अ स्टर्न टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कंसिक्वेंसेज जो कॉलोनाइज पीपल होते हैं वो साइकोलॉजिकली भी सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं वो सेल्फ हेट्रेड का शिकार हो जाते हैं तो वो जो है ना फ्रेंच फैनन अपने वर्क्स के अंदर जो उनके मोस्ट पॉपुलर दो वर्क्स हैं दैट इज़ द रेस्ट ऑफ द अर्थ एंड ब्लैक स्किन वाइट मास्क इनके अंदर जो है ना वो इस सबजुगेशन के एंटी जो है ना वो डी कॉलोनाइजेशन के ऊपर एम्फोसिस पुट करते हैं कि जो कॉलोनाइजेशन की गई है लोगों को सबजुगेट किया गया है उसको जो है ना ख़त्म होना चाहिए अब वो यहाँ पर जो डी कॉलोनाइजेशन है वो सिर्फ सोशल लेवल पे नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पे भी करने की जो है ना वो कोशिश करते हैं कि अगर आपने फ्री करना है तो आप उनको सोशल और पर्सनल दोनों लेवल पे फ्री होने की ज़रूरत है ताकि फिर वो जो है ना एक फुल लिबर्टी के साथ अपनी जो है ना एक सोसाइटी बिल्डअप कर सके और उसके अंदर अपना जो कल्चर है उसको इन्फ्लिक्ट कर सके सो दैट वॉज समथिंग अबाउट सबजुकेशन आई होप यू गॉट दैट एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू